मेरा बेटा सिर्फ 50% लेकर 12वीं पास किया, पता नहीं मैं इसका क्या करूं, कुछ सुनता ही नहीं। मेरी बेटी के अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन उस पे एक्टिंग का गुस्सा आ रहा है, कहती है मुझे एक्टिंग में ही आगे बढ़ना है। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, चाहता था बेटे को भी आईएएस करा के गवर्नमेंट ऑफिसर बनाऊं, कोचिंग क्लासेस भी लगवा दी, लेकिन ये नालायक सारा दिन कैमरा लेकर कुछ फोटो खींचता रहता है, पता नहीं मैं इसका क्या करूं। मैं एक पब्लिक स्कूल में टीचर हूं, अच्छी सैलरी है, लेकिन टेलीविजन में काम करने का मेरा सपना था, बस सपना सपना ही रह गया। मैं सोचती हूँ मेरी बेटी को इसी लाइन में डालूं, ये भी यही सोचती है, कम से कम मेरी बेटी का सपना तो पूरा हो जाए। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा बेटा जो एकदम नालायक निकला, मेडिकल में एडमिशन दूर, शायद बीएससी में भी इसको दाखिला नहीं मिलेगा, क्या करूँ इसका, सारा दिन टीवी में ही खोया रहता है। हाय, मैं हूँ दिव्या, आपकी काउंसलर भारतीय विद्या भवन दिल्ली से। मैंने इनकी बातें सुनी, खैर पेरेंट्स और बच्चों को लेकर परेशान रहते ही हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों होता है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हर इंसान अलग है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका जीवन हमसे अलग है, जैसे बच्चे का पैदा होना यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हमारे हाथ में नहीं होता, लड़का होगा या लड़की ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, वैसे ही बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा ये भी माँ बाप के हाथ में नहीं होता। जिसे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है उसे हम इंजीनियर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जिसे जो बनना है उसे वो बनने दो। लेकिन आपका सवाल मेरे ख्याल से अभी वहीं का वहीं है, आप सोच रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा वो बनना क्या चाहता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है भारतीय विद्या भवन का करियर गाइडेंस कम एडमिशन टेस्ट अटेंड करो। 6 घंटे में हम बच्चों को समझाते हैं और टेस्ट के माध्यम से उन्हें पहचानते भी हैं, आप चाहे तो पहले भी हमारा गाइडेंस ले सकते हैं। बस अब टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट भवन की वेबसाइट पर जाओ और ऑनलाइन अप्लाई करो। अपने आप को पहचानने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। याद रहे भवंस कॉलेज, जो जिंदगी बना दे। बेस्ट ऑफ लक।